वेलकम टू अ न्यू रेसिपी। आज हम बना लेते हैं हनी चिली पोटैटो, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल, जैसे स्ट्रीट पे मिलता है या जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे। सिर्फ हम यहाँ पे कलर का यूज़ कम करेंगे या तो फिर नहीं करेंगे, क्योंकि कलर जो होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। तो अगर आप चाहें तो इसे कलर भी डाल के एकदम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इसका लुक दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। बड़े आलू क्या होते हैं, कभी कभी ख़राब भी थोड़े से निकल जाते हैं। आलू को अच्छी तरीके से छील लेंगे, उसके जो भी ख़राब वाले पार्ट होंगे उसे निकाल लेंगे। बड़े साइज़ वाला आलू जो मेरा था वो थोड़ा सा ख़राब निकल गया था। उसके बाद इस तरह से फ्रेंच फ्राइज़ के शेप में हम इसे कट कर लेंगे, पतला पतला लंबा लंबा। अच्छी तरीके से हम इसे कट करेंगे। कट करने के बाद आलू को 7 से 8 मिनट के लिए हम उबालने के लिए रख देंगे। एक पैन में पानी डाल के मैंने इसे उबालने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा आलू उबलेगा तब तक हम चॉपिंग कर लेते हैं अपनी हनी चिली पोटैटो के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा शिमला मिर्च लिया है। जितना आलू है हमारा 3, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे सब्जियाँ ली हैं। आप अपने आलू के हिसाब से सब्जियाँ ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके इस तरह से उसके एक एक लेयर को निकाल लिया है, और बीच का जो थोड़ा अंदर का पार्ट बच जाता है उसे साइड में रख देंगे। उसे हम बाद में किसी दूसरे यूज़ में ले लेंगे। और लेकिन हमें जो हनी चिली पोटैटो के लिए यहाँ पे बड़े बड़े जो टुकड़े प्याज के हैं बस वही लगेंगे। उसके बाद देखिए मैंने इसे साइड में रख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा अदरक को हम चॉप कर लेंगे। सिर्फ एक छोटा टुकड़ा हमारा अदरक था, उसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। जितना बारीक हो सके कट कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 बड़े जवे लहसुन के लिए हैं, उसे भी अच्छी तरीके से मैंने चॉप कर लिया है। 1 हरी मिर्च लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी ज़्यादा ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं। नॉर्मल मैं यहाँ पे स्पाइस रख रही हूँ। उसके बाद थोड़े से हरे धनिया को भी मैं अच्छी तरीके से चॉप कर ले रही हूँ। हरे धनिया के जगह आप यहाँ पे स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं। तब तक आलू बॉयल हो चुका है। आलू को हम पैन में डाल के तुरंत इसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल देंगे। आइस कोल्ड वाटर डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से पानी से निथारने के बाद अच्छी तरीके से हम इसे पोंछ लेंगे, इसे सुखा लेंगे किसी कपड़े से या फिर किचन टॉवल से, किसी भी साफ कपड़े से हम इसे अच्छी तरीके से हम इसे सुखा लेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा कोटिंग करेंगे। तो एक मिक्सिंग बाउल में हम अपने उबले हुए आलू को रख देंगे। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और काली मिर्च का पाउडर, और 2 बड़ा चम्मच यहाँ पर कॉर्नफ्लावर भी डाल देंगे। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो आप यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से टॉस करते हुए इसे कोट करेंगे ताकि अच्छी तरीके से हमारी फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर कोटिंग कॉर्नफ्लावर की अच्छी तरीके से चढ़ जाए। मैंने बताया ना, अगर आपको यहाँ पे कलर डालना है रेस्टोरेंट स्टाइल देने के लिए तो इसी टाइम पे आपको यहाँ पे कलर भी डालना होगा। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है। नॉर्मल हॉट तेल में हम यहाँ पे फ्राई करेंगे अपनी फ्राइज़ को। 7 से 8 मिनट या फिर 10 मिनट इसे लगेगा फ्राई करने में। अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे हम। फ्लेम हमारी मीडियम रहेगी और बाद में थोड़ा हाई कर देंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमें नहीं पकाना है, पहले हमें स्लो मीडियम फ्लेम पर पकाना है। उसके बाद इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हमें इसे निकाल लेना है। मैंने 2 बैच में अपनी फ्राइज़ को फ्राई किया है। जितना आपके पैन में जगह हो उस हिसाब से आप यहाँ पे फ्राइज़ को फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए जब अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा, तेल निकाल लेंगे, थोड़ा तेल रहने देंगे इसमें। इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए लहसुन, अदरक और हरी मिर्च जो हमने कट करके रखी थी। इन सबको हल्का सा मिक्स करेंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे। 1-2 सेकेंड के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने बड़े बड़े टुकड़े में प्याज शिमला मिर्च काटी थी, उसे भी डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक, काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर। सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच यूज़ की हैं। इन सबको डाल देंगे। थोड़ा हमने जो हरा धनिया काटा था उसे भी डाल देंगे, थोड़ा रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब इसे हल्का सा एकदम हाई फ्लेम पे 1 सेकंड के लिए इसे स्टिर करेंगे। इसे चलाने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच टोमेटो सॉस, 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच सोया सॉस। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लावर की स्लरी। इससे क्या होगा, हमारी सभी चीज़ें अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। अच्छी तरीके से इसे पका लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है वरना इसका जो क्रंच है सब्ज़ी का वो ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद हम यहाँ पर फ्राई डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 1 चम्मच डाल देंगे शहद या फिर 1/2 चम्मच, जितना आपको पसंद हो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो हमारा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल हनी चिली पोटैटो बन के रेडी हो चुका है। अगर आप हनी ना डालना चाहे तो मत डालिएगा, तो आपका ये चिली पोटैटो हो जाएगा। तो हनी डालने से इसका बहुत ही अच्छा सा एक चाइनीज़ फ्लेवर आता है। तो आप भी इसे बनाइए, इंजॉय कीजिए। सिर्फ 15 से 20 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर पे जो बेल का आइकन है उसे दबाने से मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियो अच्छी लगती हो तो थम्सअप दें।